महाराष्ट्र के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक वाहन में बम लगाने के मामले में वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने इस मामले में उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के पास विस्फोटक से लदी कार रखने के मामले में भूमिका और ऑटो पार्ट्स डीलर हिरेन मनसुख की हत्या के आरोप में वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसे पूर्व पुलिस कर्मी सचिन वाजे ने चुनौती दी थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। केंद्र ने सचिन वाजे की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि पूरा मामला मुंबई में हुआ है। वहीं याचिकाकर्ता वाजे ने दावा किया था कि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें, मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास इंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को एक एसयूवी गाड़ी लावारिस मिली थी, जिसमें विस्फोटक लदा हुआ था। गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन थे, जो पिछले साल 5 मार्च को ठाणे के एक नाले में मृत मिले थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन की हत्या के आरोप में वाजे के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एनआईए ने चर्चित इंटीलिया केस में वाजे और अन्य के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया। इसमें हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल, यूएपीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसी मामले में आगे चलकर मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के भी आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि फिलहाल देशमुख और वाजे अभी भी जेल में हैं। सचिन वाजे इससे पहले भी कई तरह के विवादों में फंस चुके हैं। उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1990 में हुई। तब वो एक सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन देखते ही देखते महाराष्ट्र पुलिस का हर आला अफसर उन्हें जान गया। उनकी पहचान अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होती थी। सचिन वाजे के नाम अब तक 63 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर्स हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।